नमस्कार आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आर लाइव एंड इंटर एक्टिव सेशन यू आर वॉचिंग आस ऑन ई विद्या चैनल नंबर नाइन एंड ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल एन सी जी हाँ हमारा ये सेशन हमारे क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है साइंस हम आपको बता दें कि आज जो हमने टॉपिक लिया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न और टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आई एम श्योर आपके भी इस टॉपिक से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन होंगे और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको समझने के साथ साथ आपके कुछ डाउट्स भी होंगे जिन्हें आप क्लियर करना चाहेंगे तो so डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं बात कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू आर गेस्ट ऑफ टू डे we are joined by ms ritika anand she is vice principal st marks senior secondary public school mira Bagh, delhi and ma'am is also a national awardee teacher 2023 welcome to the session ma'am thank you harpreet ma'am and congratulations to you for your achievement thank you वेल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप मैम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू तो कनेक्ट विद आस नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर आप हमें कॉल कर सकते हैं डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन पर साथ ही साथ आप हमें ई भी लिख सकते हैं एंड आर ई मेल आई डी इज़ डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन क्योंकि इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एन सी ऑफिशियल पर भी तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सजेशन है कोई फीडबैक है जो आप इंस्टेंटली हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं मैं आपको एक बार फिर बता दूं क्लास नाइन के हमारे स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट के अंडर आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और मैम मैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले प्लीज बताएं आज एक ब्रीफ दे दीजिए सबसे पहले कि हम एग्जैक्टली exactly क्या पढ़ने वाले हैं तो हरप्रीत मैम जैसा कि आप टॉपिक तो सबको बता ही चुकी हैं हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और इंटरेस्टिंग uh, बात uh, हरप्रीत मैम ये है कि फोर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बच्चे सातवीं कक्षा में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे बहुत क्विक सा right. और उसके बाद हम दो बहुत महान साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में जो हमारे बहुत आसपास है आ, देर है तो सिर्फ ऑब्जर्व करने की एब्सोल्युटली तो हम डेफिनेटली सेशन में अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैम से एग्जैक्टली फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में Uh, तो हरप्रीत मैम ऐसा है जैसा मैंने आपको अभी कहा कि फोर्स इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी यू नो डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस सेशंस आपने क्लास सातवीं कक्षा छठी में भी कुछ ना कुछ जाना है पुश और पुल की जब हम बात करते हैं तो वो फोर्स है और फोर्स क्या क्या कर सकती है ये भी हमें मालूम है कि भाई जब आप आटा गूंधते हैं hmm. तो क्या करते हैं आप शेप बदल देते हैं तो इसका मतलब क्या है फोर्स जो है वो शेप किसी भी बॉडी का बदलने में समर्थ है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो फोर्स लगा दीजिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगा है ना बिल्कुल. किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसे धक्का दे दीजिए पुश कर दीजिए तो क्या होगा वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो फोर्स इज एक्चुअली मेकिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट कैन इवन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अंग ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई चीज सीधी सीधी जा रही है आपने उसको सरकार के ऐसे कर दिया तो जी डायरेक्शन uh, भी बदल गई hmm. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हम बहुत डिटेल uh, में जानते हैं लेकिन uh, एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट uh, चीज है जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है अनबैलेंस्ड फोर्सेज का राइट बैलेंस्ड फोर्सेज एंड अनबैलेंसड फोर्सेज ना वॉट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज ये भी कुछ कुछ हम uh, जानते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा क्विक रिविजन हम करने वाले हैं मान लीजिए मेरे पास एक uh, ये बॉटल है ठीक है और ये बॉटल यहाँ हमने रख दी ना इस ये जो बॉटल है ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही क्योंकि क्या ऐसा है इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही ऐसा नहीं है इस पर भी बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है भाई इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है और इस पर एक एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है भाई ये बैलेंस्ड है ये मूव नहीं कर रही जैसे ही मैंने इसको पुश किया जैसे ही मैंने इसको धकेला ये आगे की तरफ बढ़ने लगी तो हरप्रीत मैम जो फोर्स मैंने इस पर लगाया ये अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि इसका कोई काउंटर नहीं है तो बैलेंस्ड फोर्सेस बच्चों क्या होते हैं कि एक फोर्स है और उसका काउंटर फोर्स हमने कर दिया सेम मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट तो डायरेक्शन वो हो गए बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेज कहाँ है जहां मैग्नीट्यूड सेम नहीं है अब हरप्रीत मैम अगर आप अगर आप इस बॉटल को धक्का लगाएं hmm. और मैं इस बॉटल को धक्का लगाऊं और इस तरह से कि दोनों hmm. का इक्वल फोर्स हो और ये बॉटल मूव ना करे तो बताइए हम दोनों की फोर्स क्या हुई हम दोनों की फोर्स हुई बैलेंस्ड लेकिन अगर मैं सुबह दूध और बादाम खा के आऊं <laughs> और मैं इसको जोर से धक्का दे दू आप चाहे पुश कर रही अप्लाई स्लाइटली मोर फोर्स दिस बॉटल विल गो टूवर्ड यू सो ऑफकोर्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट वट वी हैव टू ट अबाउट नाउ इज द लॉज लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन ने हमें दिए आईजैक न्यूटन सर आईजैक न्यूटन और सर आइजैक न्यूटन ने अगर मैं उनके बारे में बात करूँ आप कहेंगे कि रितिका मैम आप क्यों आ, इतना बात करना चाहती हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जबकि ये तो साइंस की क्लास है ये कोई हिस्ट्री की क्लास तो नहीं है hmm. तो बच्चों मैं आपसे ये बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि Uh, कोई भी इंफॉर्मेशन uh, कोई भी नॉलेज कुछ भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता अगर आप कोई लॉ पढ़ने वाले हैं और अगर आप उनके साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने वो लॉ प्रपोज किया अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं uh, उनकी आई वोट से वी आर इंसल्टिंग हिम बट वी आर नॉट गिविंग हिम द ड्यू रिस्पेक्ट

फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने आ, हमारा साइंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ uh, इतनी बड़ी लेगेसी वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं दैट इट इज़ इट इज़ अमेजिंग द वे वी लुक एट साइंस द वे वी लुक एट फिजिक्स इज़ चेंज ओनली बिकॉज सर आइजक न्यूटन एग्जिस्टेड एंड चेंज द वे वी लुक डट साइंस सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने अच्छा बाय द वे अगर आप उनका जीवन देखें तो उनके जीवन में बहुत दुख और तकलीफें आई uh, उन्होंने उनके जो बायोलॉजिकल फादर थे वो बहुत जब वो बहुत छोटे थे आई थिंक उनकी शायद उनकी uh, uh, उनके जन्म से पहले ही शायद Uh, वो नहीं रहे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट तो बच्चों आप ये चेक कर सकते हैं अबाउट न्यूटन सर आइजैक न्यूटनस लाइफ और उसके बाद जब वो बड़े हो रहे थे uh, बहुत उन्हें शौक था किताबों का बहुत शौक था उन्हें पढ़ाई का बट hmm. क्योंकि उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे ही वाज स्लाइटली ऑन द ऑन द रेक्लूसिव साइड वो hmm. ज्यादा बात नहीं करते थे और माना जाता है कि जब वो uh, अपने यू नो वेन ही वाज जस्ट एट अ वेरी राइप स्टेज इन हिज लाइफ ऑफ इन्वेंटिंग and डिस्कवरिंग things, वो बहुत कम सोया करते थे उन्हें बिल्कुल एक sleeping disorder हो गया था क्योंकि उनका दिमाग जो था हमेशा रहता था कि yeah. उन्हें आ, बहुत सारी चीजें समझनी है और करनी है और से से फिर थे थे हाइपर विजिल्यूटली थे थे और तभी उन्होंने जब एक एप्पल को गिरते हुए <laughs> देखा तो उन्होंने कहा कि भाई एप्पल तो गिर रहा है जमीन की तरफ पर मून क्यों नहीं गिर रहा अर्थ की तरफ अगर बात किसी किसी शक्ति की है एनीवे anyway, उस टाइम पे तो उन्हें उसका जवाब नहीं मिला पर धीरे धीरे हमने हर आ, सवाल का जवाब ढूंढ लिया न्यूटन ने हमें तीन लॉज ऑफ मोशन दिए द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया इस लॉ के बारे में हम बात करेंगे बहुत डिटेल में क्योंकि एक बहुत बहुत मज़ेदार लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया ना लॉ ऑफ इनर्शिया इनर्शिया ये जो शब्द है ये एक्चुअली आ रहा है किस किस वर्ड से आ रहा है ये आ रहा है इनर्ट से hmm. आपने केमिस्ट्री में बच्चों कभी पढ़ा होगा कि इनर्ट गैसेज होते हैं इनर्ट गैसेज कौन से गैसेज होते हैं जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते है ना जैसे okay. कुछ मतलब जिनका कोई रिएक्शन नहीं है है ना तो इनर्शिया एक्चुअली इनर्ट से समझ लो उससे आप हमेशा याद रख लो इसका मतलब यह है कि कोई भी बॉडी एनी बॉडी विच इज एट रेस्ट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट एनी बॉडी विच इज इन मोशन विल टेंड टू रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इसीलिए हमने अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात की क्योंकि हमें उसे यहां पर यूज करना था ठीक है तो एक बार फिर से बात करते हैं अ बॉडी एट रेस्ट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट नाउ दिस बॉटल इज एट रेस्ट इट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड मेक्स इट मूव अगर मैं इसे धक्का नहीं दूंगी तो यह मूव नहीं करेगी लेकिन मान लीजिए खुदा ना खासता एक, को एक आता है तो शेकिंग से भी यह बॉटल नीचे गिर सकती है तो इसका मतलब क्या इसमें क्या एक्ट कर रहा है एक अनबैलेंस्ड फोर्स दूसरी पार्ट मैंने क्या कहा मैंने कहा कि अ बॉडी विच इज इन मोशन विल टेन टू रिमेन इन मोशन अनटिल एंडलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर एक फुटबॉल है और मैंने फुटबॉल को जोर से कि किया एंड द फुटबॉल स्टार्ट रोलिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फुटबॉल सीज यू नो इट स्टॉप इट विल कीप ऑन रोलिंग इट विल कीप ऑन मूविंग बट हरप्रीत मैम क्या ऐसा होता है उसके ऊपर वो वो क्यों? एक इनविजिबल फोर्स एक्ट कर रही है और वो इनविजिबल फोर्स कौन सी है दैट इनविजिबल फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बहुत एट लेंथ हम बात करने वाले हैं लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ बिल्कुल वैलिड है बॉल रोल करती रहेगी रोकेगा कौन उसे एक अनबैलेंस्ड मिस्टीरियस फोर्स और mm. वो कौन सी मिस्टीरियस फोर्स है इस इस पॉइंट ऑफ टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन अच्छा हरप्रीत मैम मैं इससे पहले कि इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बात करूं जी. मैं आपसे अपने जीवन की एक कहानी शेयर करना चाहती हूं और एम श्योर sure हमारे बच्चों को भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी इट्स एन एनेक्ट फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ आई वॉज इन क्लास टेंथ एंड हम लोग एक्स्ट्रा uh, क्लासेस के लिए हमें स्कूल में बुलाया जाता था कि बोर्ड क्लास है बहुत पढ़ाई करनी है तो uh, जब मुझे uh, जाना था स्कूल तो स्कूल बस उस टाइम पे नहीं चलती थी क्योंकि छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास होती थी तो so हम लोग पब्लिक uh, ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया करते थे और मैंने कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल नहीं किया था hmm. मुझे बहुत एंग्जाइटी थी बहुत घबराहट थी तो मुझे मालूम था कि एक एक्स जगह पर जाके बस रुकेगी जैसे ही बस रुकेगी मुझे फटाफट अपना बैग लेके नीचे उतर जाना <laughs> है एज दिन था एक्स्ट्रा क्लास का मैं जा रही थी और जो ड्राइवर साहब थे बस hmm. के उन्होंने बस को वहां नहीं रोका उन्होंने आप समझ लीजिए थर्टी मीटर्स आगे थोड़ा सा आगे बस स्टॉप से उन्होंने आगे रोका फॉर वट रीजन मैं बहुत डर गई बहुत घबरा गई hmm. मुझे लगा ओह माय गॉड आई होप आई एम नॉट किडनैप्ड एंड आई पिक अप माय बैग एंड आई एक्चुअली जम्प्ड आउट ऑफ द बस नाउ व्हेन आई जम्प्ड आउट ऑफ द बस I was badly hurt. I was bruised. I was injured. Hmm. मुझे knees पे चोट लगा मुझे elbows पे चोट लगा hmm. अगले दिन मैं पट्टी बांधकर स्कूल गई तो जब मैं स्कूल गई मेरी मैम ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और चांस की बात है हमारे फिजिक्स मैम ने हमसे पूछा कि क्या हुआ तो हमने उन्हें बताया कि हम गिर गए ऐसे इस तरह से तो मैम ने कहा कि साइंस में सिर्फ नंबर लाना ही जरूरी नहीं है आपने साइंस को कितना इन्वॉल्व uh, किया कितना समझ के अप्लाई किया साइंस पढ़ने का मतलब वही है मुझे नंबर पूरे मिल गए थे लेकिन मैंने साइंस अपने जीवन में अप्लाई नहीं, नहीं किया, किया। क्या अप्लाई नहीं किया मैंने मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं किया अब आप सोचेंगे कैसे वो ऐसे कि जब मैं बस के अंदर सवार थी माई बॉडी वॉज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन आई वॉज मूविंग कंप्लीटली बट वेन आई जम्प आउट माई बॉडी केम टू अ सडन हॉल्ट तो जब मैंने जम्प किया मेरे पैर Mm. जमीन से लगे मेरे पैर तो रेस्ट पे आ गए mm. लेकिन मेरी अपर बॉडी मोशन में रही क्यों बिकॉज ऑफ इनर्शिया की वजह से क्योंकि मेरी अपर बॉडी मोशन में थी आई फेल ऑन द ग्राउंड लाइक दिस माई हैंड्स गॉट हर्ट माई नीज गॉट हर्ट एंड आई वॉज ब्रूज बैडली सो बच्चों मुझे चोट लगी दैट मीन्स इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू चलती बस से चलती गाड़ी से कभी नहीं उतरना है नहीं तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से आपको चोट लग सकती है जैसे मुझे चोट लगी तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है एनीथिंग थिंग विच इज इन मोशन एनीथिंग थिंग विच इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू डू सो अन एन अनस देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट अब यहां पर इनर्शिया के बारे में एक और बात जानना बहुत जी. जरूरी है एक्चुअली मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया इस बात का मतलब समझना भी बहुत जरूरी है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इसका मतलब ये है कि जितनी भारी चीज़ होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा उसके इनर्शिया के साथ खेलना उसके इनर्शिया hmm. को ट्रबल करना जैसे अब अगर मेरे पास ये टेबल है और ये एक बॉटल है किसे हिलाना ज्यादा आसान है बॉटल को हिलाना आसान है, hmm. आसान आसान है।, है क्योंकि इसका मास कम है।, कम है टेबल को हिलाना इसके इनर्शिया को डिस्टर्ब करना मुश्किल है क्योंकि टेबल कैसा है काफी हैवी है।, है।, है तो इससे अब अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपने लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन तो जरूर लिखी होगी लेकिन ये पॉइंट अपनी डायरीज में लिख लो कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा और उतनी ज्यादा हमें मुशक्कत करनी पड़ेगी उसका स्टेट ऑफ मोशन चाहे रेस्ट है या मोशन चेंज करने जी. में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैम अब आप देखो Um, जब हम पेड़ से आम तोड़ते हैं ठीक hmm. है तो मैं अगर पेड़ पर पे चढ़ नहीं सकती मान लो तो मैं क्या करती हूँ आई ट्राई टू मूव द्रांचेजलीट है मैंगोवज आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बट द ब्रांचेज Are are moving. Yes. Now the mangoes are resisting that hmm. change. They are, they just fall because of जमाना अभी अभी तो है वो कार्पेट याद है कार्पेट को जब साफ करते थे ना तो हम यू उसे डंडा के साथ पीटो 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 तो पता है उसको उससे क्या होता है जब आप डंडे से कार्पेट को पीटते हैं कारपेट तो मोशन में आ जाता है लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कारपेट के अंदर हैं दोस डस्ट पार्टिकल्स बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया दे टेंड टू रिमेन एट रेस्ट एंड बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी दे फॉल डाउन सो यू आर हिटिंग द कारपेट विद अ स्टिक टू मेक श्योर दैट डस्ट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द कारपेट बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन सो दीस आर मेनी मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मैं देख रही हूँ कि समय हमारे पास इतना नहीं है जी. लेकिन ये hmm. दो फोटोग्राफ मैं चाहूँगी कि बच्चे देखें hmm. चा, चाहूंगी कि पी पी टी में बच्चे देखें कि देखें किस तरह से uh, ये जेंटलमैन है ही इज मूविंग इन अ बस एंड वेन द बस स्टॉप सडनली दिस पर्सन अपर बॉडी मूव इन द फॉर्वर्ड डायरेक्शन बिकॉज द अपर बॉडी is still in the state of motion this man was riding a bicycle and when it gets stopped suddenly the body of this man is in motion because of inertia the cycle to rest body jo hai motion rahi wo so i think we are now about to close this session because it's already 328 right एंड सो ब्यूटिफुली यू हैव एक्सप्लेन entire कॉन्सेप्ट आपने ये लॉ ऑफ इनर्शिया इतने अच्छे से समझाया और फोर्स uh, के बारे में बताया ये बताया कि कैसे एक बॉडी रेस्ट पे होती है और कब मोशन पे आती है या मोशन में होती है और क्यों रेस्ट पे आती है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने बात करी विद एग्जांपल्स हमने सीखा और आई एम श्योर क्योंकि इस वक्त uh, हम लाइव नहीं है यूट्यूब पे तो आप हमें कमेंट तो नहीं कर पाए बट डेफिनेटली जब ये प्रोग्राम अपलोड होगा आप सेशन को दोबारा देखिएगा एंड ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिमिलर एग्जाम्पल्स को आप कनेक्ट भी कीजिएगा और uh, इस पूरे सेशन के लिए फॉर वैल्यूबल टाइम एंड कॉन्ट्रीब्यूशन आई लाइक टू थैंक मैम थैंक यू सो मच एंड इट वॉज अ वेरी डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट समझा and I am sure that our students would have understood And now before I wrap up this session, it's time for me to make an important announcement over here. Yes, C I E T N C E R T is happy to announce the All India Children's Educational E-Content Competition for this year. So if you are a teacher, teacher educator, student or independent educational e-content creator, we invite you to send in your best e-content for the competition. For more details and the registration form, you can visit the activity section of our official website www.ciet.ncert.gov.in or you can scan the QR code on the screen. The last date for sending your entry is 10th of January 2024. जी हाँ, हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि CIE T N C E R T इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक e-content प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है। यदि आप एक शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षक छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया सी आई ई e. टी की वेबसाइट देखें अथवा स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यू आर कोड को स्कैन करके भी आप वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तारीख रहेगी दस जनवरी दो हजार चौबीस और इसी के साथ ही वी आर क्लोजिंग आर लाइव एंड इंटरक्टिव दिस पर्टिकुलर सेशन हेयर ओनली बट स्टे स्टेट फॉर आर नेक्स्ट लाइव सेशन और तब तक के लिए दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू नमस्कार